स्वागत है आपका एक लव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का वीडियो। और आपको जैसे कि पता है कि कल हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, इसमें पहले से लेकर चौथे चैप्टर तक को कवर किया गया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि आज पहली बुक कम्प्लीट हो जाएगी और हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में, वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखते हैं इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। मैंने कल भी बताया था, आप अपना सारा सिलेबस कवर करिए। लेकिन कई बच्चों की डिमांड है कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, उनके चक्कर में मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। वरना मैंने सारा चैप्टर पढ़ाया है, हर एक टॉपिक बताया है, वहाँ से आप अपने आप ही कवर कर सकते हो हर चीज़ को। लेकिन फिर भी चलो करते हैं कोशिश। लेकिन आप अगर अच्छे पढ़ने वाले हो या अच्छे पढ़ने वाले नहीं हो, लेकिन पेपर से पहले आप इन क्वेश्चन पे जरूर एक बार नज़र दे मार लेना, अच्छे से अच्छे तरीके से देख कर जाना, ताकि आपको हो सकता है पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताओ। आपको पता है 8 देश शामिल हैं, उनके नाम बताने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ, किन्हीं 3 देशों के नाम बताओ, इस तरीके से। लिट्टे काफ़ी आता है एग्जाम में, तो लिट्टे का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम जो ये लिट्टे जो था। यहाँ पे यार एक चीज़ याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि आपसे वो ये बोले कि इसकी फुल फॉर्म बताओ और आप फुल फॉर्म याद कर गए हो। क्या पता वो ये पूछ ले लिट्टे क्या है, तो आपको बताना ये एक संगठन था, किन का ग्रुप था, तमिलों का, किस तरीके से था, कहाँ पे था, जो भी मतलब इसकी कहानी है, श्रीलंका और ऐसे आपको पूरी कथा कहानी है इससे रिलेटेड, वो आपको लिखनी है। तो आपको ये चीज़ें यार याद रखनी चाहिए। इसके बाद अगला है कि देखो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, भूटान, मालदीव, ठीक है, ये सारे देशों के नाम मैंने बता दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें शासन व्यवस्था कैसी थी। आपको पता है नेपाल में राजतंत्र था, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लोकतंत्र भी रहता है, सैनिक शासन भी रहता है, श्रीलंका और भारत में लोकतंत्र है, भूटान में राजतंत्र, मालदीव एक सल्तनत था, लेकिन अब क्या है यहाँ पे भी लोकतंत्र के लिए काम शुरू हो गया, लोकतंत्र आ चुका है, नेपाल में भी लोकतंत्र आ चुका है, पहले राजतंत्र था। तो ये सारी चीज़ें हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है उसे बताना है, और कुछ समझौते भी हुए हैं वो बताना है। समझौते तो आपको पता है सिंधु वाला समझौता हुआ था, सिंधु जल बंटवारा समझौता 1960। फिर आपको पता है मैं ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, 1966 में। फिर आपको पता है कि 1972 में हमारा शिमला समझौता हुआ है, ठीक है। और ये समझौते संधियां हमें पता है, लेकिन विवाद क्या है ये भी आपको पता है। कश्मीर को लेकर विवाद है, गुजरात में जो एक जगह रन में एक जगह सर्किक रेखा, तो इस जगह को लेकर भी भारत पाकिस्तान का विवाद है। फिर क्या है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है भारत के खिलाफ, इसको लेकर विवाद है। तो जितने भी विवाद है भारत पाकिस्तान के, ये सब बताने हैं। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थायी नहीं हो पाया है, इसके रीजन बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बताओ। भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक जो संबंधों की बातें हैं वो बतानी है, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब मान लो भारत और बांग्लादेश की ना आए, तो भारत और नेपाल से आज पूछा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान से तो हमारा यहाँ पे हो गया है, भारत नेपाल से यहाँ हो जाएगा। श्रीलंका से भी पूछ सकते हैं, भारत और श्रीलंका, तो आपको पता है वो लड़ाई थी, ये था वो था, शांति सेना भेजी गई थी, पूरी की पूरी जो राजीव गांधी वाली कहानी थी वो सब आपको पता है, वहाँ से आपको लिखना है। क्योंकि ये सिर्फ एक मोटा मोटा आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि आंसर आपने पहले से देख रखे और आपको पता भी होंगे शायद। अब आगे देखो, सार्क के बारे में पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम या फिर इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इस तरीके की। साफ्टा के बारे में पूछा जा सकता है, इसका पूरा नाम कब बना ये। लिट्टे के बारे में पूछा जा सकता है, लिट्टे में काट देता हूँ क्योंकि लिट्टे हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ लिया है। IPKF इसका फुल फॉर्म, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बतानी है। इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने पहले वाले वीडियो में एक बार बताया था ये, अगर याद हो तो।
और अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, सपोर्टिंग से देख लो। नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसके पीछे क्या कहानी थी? कहानी आपको पता है भाई, वहाँ पे जो जनता थी वो एक लोकतंत्र चाहती थी, लेकिन जो राजा था उसने अपने वहाँ पे नियंत्रण बना रखा था सेना के जरिए, लेकिन जनता ने कई बार विरोध करा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि विरोध 1990 में भी हुआ, फिर संसद को भंग कर दिया राजा ने 2004 और 2006, ये पूरी कहानी आपने पढ़ी है। 2006 में पूरे नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर वहाँ पे लोकतंत्र आया, तो ये पूरी कहानी थी। अब इस कहानी का मकसद मेरा ये था कि यहाँ से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि सार्क जो है वो असफल क्यों हो गया? आसियान सफल हुआ, यूरोपीय संघ सफल हुआ, लेकिन सार्क असफल हो गया, क्यों भाई, क्यों सक्सेस नहीं हो पाया ये? तो इसके रीजन आ सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरी नज़रों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके अलावा और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत है, लेकिन मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लिए। मैंने बताया था आपको कि सिर्फ 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस रखूंगा मैं इन वीडियोज में। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन काफी आता है पेपर में, तो देखते हैं दोस्तों। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो यहीं से देखो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ की आवश्यकता क्यों है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, दोनों का आंसर सेम होगा, ध्यान रखना। लीग ऑफ नेशंस था पहले, पहले विश्व युद्ध के उसके समय के बाद बनाया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो कामयाब नहीं हो पाया, बाद में क्या हुआ, लोगों ने तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बाद में क्या बना दिया गया था, यूएनओ बना दिया गया था। कैसे बना, 51 देशों ने हस्ताक्षर करे और 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, इस तरीके से पूरी कहानी थी। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को बताना है, आपको पता है इसके 6 अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, न्यायसीता परिषद हो गया, ठीक है, महासभा हो गया, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो अब 6 अंग हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन, मान लो आप आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताओ, वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि सुरक्षा परिषद के काम बताओ, तो भी आपको पता होना चाहिए, या वो ये बोलते हैं कि महासभा क्या है, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इन टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप रट के जाओ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, 6 अंग याद कर लिए और चले गए, और बाद में पूछ लिया कुछ और तो आपको वो नहीं आया। कहने का मतलब है ये टॉपिक पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। आपको पता है कि भाई 5 देश हैं उनके पास वीटो पावर है, कौन से 5 देश हैं, उनके नाम लिखने हैं। यूएनओ जो है उसके उद्देश्य क्या है, या फिर जो पहले बताया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं इनके उद्देश्य क्या होते हैं, सेम आंसर आएगा, आप बता सकते हो। अगला है कि सुरक्षा परिषद में क्या सुधार करने चाहिए, आपको पता है सुरक्षा परिषद में सुधार की बात चलती है, तो क्या सुधार होने चाहिए आपकी नजरों में, आप बता सकते हो। आप भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने चाहते हैं, क्या तर्क देंगे? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपसे, ये बोलते हैं कि आप भारत के नागरिक हो और अपने देश भारत को आप सुरक्षा परिषद में चाहते हो कि उसको स्थायी सदस्यता मिले, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाला सदस्य बने भारत, तो आप उसके पीछे क्या ऐसी खूबियां बताओगे अपने देश की जिसकी वजह से उसको वो बना दिया जाए, वीटो पावर वाला देश बना दिया जाए, तो कुछ तो खूबियां होंगी। तो वो 6 पॉइंट है अगर आपको याद हो, 6 से 7 पॉइंट, बड़ी आबादी, यूएनओ के बजट में योगदान देता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मानव अधिकारों के का सम्मान करता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, बड़ी जनसंख्या है, बड़ी सेना है, बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहा है, तो ये सारी जो पॉइंट बनेंगे हम यहाँ बता सकते हैं। अगला देखो, IMF, इन सब की फुल फॉर्म आ सकती है, इन सब में से किसी एक चीज़ की फुल फॉर्म आ सकती है, या तो IMF पूछ लेंगे, या WB पूछ लेंगे, या UNHRC पूछ लेंगे, UNSCR पूछ लेंगे, यूनिसेफ, यूनेस्को, कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो आपको सबके फुल फॉर्म याद होने चाहिए। और IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, UNDP, इन सब के अगर काम पता है आपको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये 2 ऐसी NGO हैं जो कि क्या काम करती हैं, ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं, तो इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, पढ़ के जाना। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये था, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, ये किसी बच्चे ने जवाब दिया तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा, मुझे लगा जल्दीबाजी में मैंने पढ़ा, मुझे लगा शायद ऑस्ट्रेलिया लिख दिया उसने, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा, बाद में देखा मैंने कि भाई उसने सही लिखा था, फिर मैंने कमेंट में वापस लिखा कि भाई ठीक है। तो आप इनके फुल फॉर्म याद रखना यार, पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। अगला है यूएनओ, यूएनओ जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसका महासचिव के बारे में पूछा जा सकता है। बान की मून मत लिख के आना, अगर वर्तमान पूछे तो वर्तमान में आप ऐसे बता सकते हो कि एंटोनियो गुतेरियस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं, ऐसी बातें आपको याद होनी चाहिए।
फिर यूएनओ है उसमें अमेरिका का वर्चस्व दिखता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका के वर्चस्व के आगे यूएनओ जो है उसकी नहीं चल पाती है, तो कारण बताओ। ये सारी चीज़ें तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्रैक्टिस वाली वीडियो में भी बताया और चैप्टर वाली वीडियो में भी बताया, आपको पता होगा, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। अब चलते हैं हम सीधा आगे के क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। देखो चैप्टर नंबर है हमारे पास 7, 7 चैप्टर है। सुरक्षा क्या है सभी को पता है, इसके पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाएं ये बतानी है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा इसको समझाना है, खतरे के जो नए स्रोत हैं इसको पढ़ना है आपको, शक्ति संतुलन मैंने समझाया था ये पढ़ना है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके समझने हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा पढ़ना है, भारत की सुरक्षा की 4 रणनीतियाँ थी वो रणनीतियाँ पढ़नी है। बस थोड़े से ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। हर चैप्टर से 7 से 8 टॉपिक लिए हैं मैंने, बस उनमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस है। एक है BWC CWC, इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको इनका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सीधा आगे। 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है कि पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी समझाओ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या ऐसे पूछा, अब सीधा ये नहीं पूछेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या पता ये पूछ लें कि ग्लोबल वार्मिंग किन गैसों के कारण होती है। तो आपको पता है कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो होता है, और मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अन्य जो हानिकारक गैसें होती हैं उनकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, तो आप ये सब बता सकते हो। अंटार्कटिका किसके अधीन है आपको ये भी पता होगा कि ये विश्व की साझी संपदा है, किसी के अधीन नहीं है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कुछ देश इस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, तो कौन से देश अधिकार जता रहे हैं हमको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। उत्तर और दक्षिण, अभी मैंने बताया था कल के वीडियो में कि इस तरीके से ये उत्तर है या दक्षिण है, यहाँ की अलग विशेषता है और यहाँ की अलग है, तो इनके बारे में, इनके बीच में जो विभेद है वो बताना है हमें। टिकाऊ विकास क्या है, एजेंडा 21, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद देखो ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने बता दिया, UNFCCC का पूरा नाम, इसका कंप्लीट नेम फुल फॉर्म याद रखना। मूलवासियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मूलवासी कौन है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि मूलवासियों के सामने क्या समस्या आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साझी संपदा के बारे में लिखो, बता दोगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन है रियो सम्मेलन, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, 3 नामों से जाना जाता है, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्या बात है इसमें बताई गई, किस लिए हुआ था, इसके बाद क्या फर्क हुआ, कुछ भी इससे पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे ही टॉपिक आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो पेपर नज़दीक है, तो आपको सब कुछ अपने पूरे साल पढ़ा ही होगा, तो सब कुछ आपको आता होगा। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक या परिणाम बताओ, पूछ सकते हैं कि परिणाम बताओ। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है कि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है, आपको पता है वामपंथी लोगों ने, किसानों ने, गरीब लोगों ने, मजदूरों ने वैश्वीकरण का विरोध करा है, क्यों करा है आपको ये बताना है। वैश्वीकरण ने भारत को क्या दिया और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया ये आपको बताना है, यानी वैश्वीकरण ने भारत को और भारत ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया। मैंने आज ही 9वें चैप्टर की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, नहीं देखी आपने रिवीजन वाली वीडियो तो देख लें, और उससे भी अच्छा जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर वाली वीडियो प्लेलिस्ट में ढूंढें और वहाँ जाके देखें। संरक्षणवाद क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हो गए 9 चैप्टर और पहले बुक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। जैसा कि कल पेपर है हरियाणा वाले बच्चों का शायद, तो मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, बेटा अच्छे से मेहनत करके पढ़ के जाओ, क्योंकि भाई मैंने जितना भी मेरे बस में था मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है हर एक चीज़ बताने को, लेकिन अब इतनी जल्दी पेपर की वजह से नहीं हो पाएगा, तो जितना कर पाया मैंने कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।